अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। यार इस वीक पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कल तो खीर था, तो मैंने जो चेंजिंग की है ना, अभी देखें, अभी टाइम आप देख लें 11:30 है तकरीबन, और आप देखें 38 पे ऑलरेडी चला गया। और इनकी हालत देखें, आज मैंने इनको खीरा शीरा डाला है, वो देखें, एक बच्चा अभी भी खीरे को लगा हुआ था, देखें। ये देखें, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कूलर ले आया हूँ नीचे से उठा के ऊपर, ये देखें, और एक ग्रीन कपड़ा भी लगा दिया है। अब ये कि ग्रीन कपड़ा इधर से, क्योंकि शाम को उठा देता हूँ मैं 5 बजे जब कूलर बंद करता हूँ, तो जब लगाना होता है उस टाइम फिर हम कूलर को जो है ना ईजीली लगा देते हैं। ये मैंने बांधने के लिए इधर टाई लगाई हुई, अब देखें इतना कह के नीचे से हवा भी जाती रहे और धूप भी ना आए, ठीक है ना। ये देखें ग्रीन, और ये कूलर रखा हुआ है, पानी शानी हमने भर दिया हुआ इसके अंदर, अभी मैं इसको चलाता हूँ। और दूसरा मैंने ये गमले भी रख दिए हैं ताकि इनमें भी पानी रहता है। ये कुछ टमाटर के पौधे मैंने लगा दिए इन पॉट्स में, बेचारे कुछ तो सूख रहे हैं, छोटे हैं, खैर 2-4 रोज़ में इनका पता चल जाएगा क्या बिहेवियर है। इधर भी और इस साइड से भी थोड़ा सा ये हमने लगा दिया। तो अभी अगर टेम्परेचर जो है ना वो हुआ हुआ है, ये देखें, और 3-4 पेड़ हैं जो एगले करके बैठे हुए हैं। एक ये वाला देखें, माशाल्लाह 3 eggs हैं इसके। ये लाइट बैक की फीमेल है और जो मेल है हमारा वो ब्लैक ब्रेस्टेड का है। ये लाइट बैक ने लास्ट ईयर हमें बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग दी थी, ये लाइट बैक फीमेल, इसमें कोई ऑरेंज का भी टच है। उसके अलावा देखें तो हमारे इसके भी एग हैं, फिर हमारी इसके भी एग हैं, और फिर मज़े की बात है इसने भी एग ले कर दिए हुए हैं इन्होंने, इस पेयर ने भी। तो अगर मैं वो भी दिखाऊँ आप लोगों को तो थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी है बैठ रहे नहीं हुए, वो देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ना, 6-7 eggs इन्होंने भी ले किए हुए। तो इनको भी मैंने खीरा थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है सबको, ये खाते रहे, ये देखें हल्का फुल्का खीरा है जो है ना वो हमने लगाया हुआ है। तो आज मैंने इनको जो है ना वो दिया है, कह लें कि अपना ORS दिखाऊँ आपको, तो ये देखें ये ORS है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये मैं 4-5 लीटर वाली वो बड़ी बोतल है, उसके अंदर ही 6-7 लीटर वाली एक ही पैकेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कम यूज़ कर लें तो बेहतर है, ज़्यादती जो है ना वो गड़बड़ है बर्ड के लिए। तो वो हो गया, तो चलें हम लोग जनाब अपना टेम्परेचर को 38 पे चला गया हुआ, मैं अपनाते हैं हम थोड़ा सा कूलर, ताकि मैंने लो पे रखा हुआ है, तो अब आवाज़ इसकी ठीक है, अभी थोड़ा पानी शानी जाएगा। और इससे ये है कि ये आधा घंटा चला ना तो माशाल्लाह ये 31-32 आ जाता है इस तरह से। तो और कुछ फिंच ने कम किए, कुछ नॉर्मल जो थे फिंच स्प्लिट नहीं थे, वो ब्रीडिंग पेयर वो मैंने दिए, कुछ सेल किए हैं आज सुबह में ले जाए यार, बजाय कि इससे पहले हम ब्रीडिंग स्ट्राइक, तो क्योंकि अब माशाल्लाह जैसे रोटेशन वालों की ब्रीड हमारे पास, तो क्या होगा कि उसमें भी पाना स्प्लिट्स आएंगे, तो हम स्प्लिट्स ही कल उन्हीं में छोड़ेंगे ज़्यादा बजाय के कॉमन के। तो ये वाला सीन है छोटा सा, देखें खीरा इधर भी रखा हुआ है, इन्होंने भी छोटा सा, देखें खीरा इधर भी रखा हुआ। चलें जी माशाल्लाह चलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, और 38 से देखें ये 34 पे आ गया,
और आधा घंटा चलेगा तो 31-32 पे रहेगा, तो शाम 4-5 बजे तक हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि है ना कि बच्चे जितने भी हैं छोटे, इसमें कुछ बच्चे हैं या कुछ, ये देखिए अभी हाँपना बंद कर गए हैं माशाल्लाह, सब ने चूचे बंद कर लिए हैं, हाँप नहीं रहे और अच्छा इनको लग रहा है, देखें हाँपना बिल्कुल बंद कर गए हैं। ये मेरी फीमेल है जो हमारी इंग्लिश लाइन की मेल फीमेल, सब माशाल्लाह अभी अच्छा हो गया। तो कूलर कोशिश करें, क्योंकि हमारा पूरा वीक थ्रो आउट, ये जो वीक है ना, नेक्स्ट वीक तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है इस्लामाबाद पिंडी में, तो इसलिए अचानक गर्मी आई है कल से, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है, तो मुझे कूलर लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ पहले ही कूलर से पहले भी जो है ना वो कम ही रहता था, तो सॉरी कूलर कहीं नॉइस होगी बहुत ज़्यादा आपके पीछे, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो बाकी देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब टेम्परेचर ठीक है, तो चलें जी, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।